तो अभी सभी साथियों को नमस्कार। अभी HSSC ऑफिस के सामने ही थे और आपकी बात करवाते। देखो कल रिजल्ट आया है हरियाणा ग्रुप डी का, और कल क्या जी आया है 12:25 पे, और उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो कि आपको भाई बात करवाएंगे कि क्या क्या उसमें खामियां हैं और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो भाई क्या क्या खामियां हैं, और आपका ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और कट ऑफ वगैरह आपने देखी भी होगी, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस चीज के ऊपर? भाई कट ऑफ जो है वो कल देखी आपने 81 और 178 77 पॉइंट समथिंग, यू की मैं सौदा ही नहीं समझ में आ रहा यार। ये दो दो कट ऑफ कतान लगी, ये दुनिया का सबता ब्रह्मांड का जो सबता न्यारा बोर्ड यूरिया कहानी इसकी किसी का समझ में नहीं आई हंसते ही। पहली बात, इतनी कट ऑफ ज्यादा जान का कारण के है या FIR किस चीज की FIR है? ये FIR दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर हमने काटी है, पेपर लीक है, पेपर लीक की FIR है, ये क्लियर दिखने लग रहा है इसके अंदर। अगर आपने डाउनलोड करनी हो FIR तो मैं FIR का आपने नंबर बता दू हूँ। इस FIR का जो नंबर है ना वो है 807/2023। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाके न इसने चेक कर लियो तारीख, और यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो किस चीज ने बताया है कि यो जो HSSC का ग्रुप डी का जो पेपर था वो लीक था, लेकिन इनने हद कोशिश करी कि इसने दबाया जा सके, और आखिरी में क्या होया उसका नतीजा ये निकल गया, कट ऑफ गई 81। जिस चीज में इनकी कई सारी झूठी बात, कई सारे झूठे वादे आज सारे के सारे गिना दू हम आपका आगे के डी ग्रुप में क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या नहीं है। पहली बात, बोले पोर्टल पे हम पूछेंगे कि आप ग्रुप डी ना ज्वाइनिंग करना चाहो हो क्या नहीं चाहते, ना पूछी इनने यस या नो। इनने साफ तौर पे कही थी कि हम पूछेंगे आपने डी ग्रुप की ज्वाइनिंग करनी है या नहीं करनी, इनने कति भी नहीं पूछी, जिसकी वजह से कट ऑफ के है जमा चांद तक पार गई। भाई 2018 में भी डी ग्रुप होया था, कट ऑफ कितने पे थी? मात्र 69 नंबर पे, और वो भी तब जब खुला काम भी होया था। दूसरी बात, जब 10 नंबर एक्स्ट्रा भी होया करते, ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी 69 नंबर पे कट ऑफ थी, और इस बार 5 नंबर थे वो होने के बावजूद भी कट ऑफ कड़ा पहुंचा दी 77 और 81। अरे यो सौदा भी को नहीं समझ में आ रहा कि ये कट ऑफ दो दो देखू कर रखी है, कहानी नहीं बेरा भाई, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। ना किसी ने कहानी समझ में आवे और ना को समझ सकता भाई, बगैर 5 नंबर के मेरे भी नंबर है 78 पॉइंट समथिंग है, मैं भी कट ऑफ ने पार करने लग रहा हूँ। इसका मतलब यो कहती भी को नहीं कि मैं एक पढ़निया स्टूडेंट नहीं हूँ, यो के फद्दूवाड़ा मचा रखे बताते जो इन पर पूछने वाला था, ओके फद्दू के फद्दूवाड़ा आयो 5 नंबर जोड़ क्या यार। एक जब तारा कोर्ट ने मारे जो केस है 5 नंबर आपके साफ तौर पर सस्पेंड आपके कर रखे हैं, और फिर भी आप 5 नंबर देने लग रहे हो, 5 नंबर दे के आपने कट ऑफ काटने लग रहे हो, आपका तुक के है? कोर्ट तो बड़ी होगी, आपने प्रॉपर तानाशाही करनी है आपने, ये सारे रवा रखे हैं आपने, ये कितने दिखने लग रहे हैं, ये आम आम को नहीं बैठे, आड़ा 20 ग्रुप के और भी बैठे हैं, और आड़ा उड़न बिरन तितर बितर हो रहे दिखने को लग रहे हैं आपने, बाड़ा काड़ा इतने है जिसके आपने अंदाजा ना हो। तीसरी बात, अंसवर कीमत आ रहे में दिक्कत ना आपने बताई कि आपने कौन सा क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन वो एक्सेप्ट कराया है और कौन सा आपने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं कराया। हमने के बेरा भाई, हमने के बेरा कि कौन सा आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो रहा है और कौन सा आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट ना हो रहा। ऑब्जेक्शन के रुपये लिए गए थे तो उसका 100 रुपये लूटने की दुकान यारी या है, ठीक है, ये सारे वाले करवा रखे है, सारे कितने दिखने लग रहे, एक एक वाले करवा रखा है, इसका नोटिस नहीं आने लग रहा, ये बस वायरल होने लग रही है कट ऑफ। कैसी बात करते हो जनाब, आप अपने डाउनलोड करो HSSC की वेबसाइट से, पेज नंबर 37 के आसपास देखो, 30-40 के बीच में आप चेक करो, आपने सब कुछ मिल जाओगा। लेकिन हाँ दूसरी बात, या जो ज्वाइनिंग है ना ये अभी प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ 605/2023 अर्पित गलावत वाले केस में। हमारा ग्रुप डी का भी केस है, हमारा सी का भी केस है, 5 नंबर अटवाने के लिए केस है, अटवावांगे, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा जावांगे, इपके कितने भी धक्के खाने पड़े खावांगे, लेकिन हाँ झुकाएंगे नहीं, यो मेरा वादा है आपका। क्या और बताऊँ, 5 साल में डी ग्रुप की भर्ती आई, 2018 में आई थी,
2018 के बाद में 2023 में आई। और एक और दिलचस्प बात इसके अंदर के है कि उससे पहले कल रात ने आया था ना, कल रात ने उससे चंद घंटा पहले कुछ सर्कुलेट होने लग रहे थे कुछ नोटिस के फलाने फलाने डिपार्टमेंट की छुट्टी रद्द कर दी है और दो दिन जो है आपने आना पड़ेगा, आपकी कोई भी छुट्टी नहीं है। यानी कि क्लियरली इनकी मंशा थी कि हमने डीग्रू पहले करवाना है, बिना छुट्टी वाले दिन निकालना, ठीक है, पहले ही आपने इनका मन में थी कि डी ग्रुप का हमने पहले करवाने का मतलब है सी ग्रुप के 56-57 के तंग करने हैं, 20 ग्रुप के बालक तंग करने हैं, टीजीटी के तंग करने हैं, तो हमने एक एक बालक ने तंग करने का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। तुमने ना तुमने बायोमेट्रिक करनी, ना तुमने ऑफलाइन डीवी करनी, फर्जीवाड़ा जो है वो पूरा का पूरा हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और हम सिरमौर है इसके अंदर फर्जीवाड़ा करने के अंदर आपकी एक बात आपकी पेट में हजम नहीं होती, उससे पहले आपका कोई भी नोटिस आने पहले बड़का मा ले कि यो नोटिस थोड़ी बार पहले थोड़ी बार पाछे आने वाला है। अरे भाई साहब, को सिक्रेसी तो होगी, आपकी को प्राइवेसी तो होगी, अगर आपकी इतनी भी प्राइवेसी ना है कि आप अपना जो नोटिस के माध्यम से बता सको कि किसके माध्यम से आपको आप नोटिस सर्कुलेट होने लग रहा है, आपके नोटिस का भी आपने नहीं भरा, थोड़ी सी प्राइवेसी तो होती होगी यार। कोई बोर्ड है, कोई इंडिपेंडेंट बोर्ड है, और इसके अंदर इंडिपेंडेंट को नहीं रह रहे हो, इसके अंदर पूरा का पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ऊपर तक जब प्रेशर पड़ेगा ना, जब जाकर ना इसका रिजल्ट आओगा, मुख्यमंत्री साहब ने 29 तारीख ने घोषणा करी थी कि 29 तक पहले इतने रिजल्ट आ जाओगे, वो तो कोई नहीं आया, थोड़े दिन पाछा आया, और आया क्या का डी ग्रुप के लॉलीपॉप का बका दिए, ये बेचारा यो भाई पीजीटी कर रहा है, और यो भाई एक ये देख लो ये पीएचडी करे बैठे हैं, अरे ना डी ग्रुप देने लग रहे हो, तुमने शर्म आनी चाहिए, एमएससी का भाई रहा, एमएससी तुमने शर्म आनी चाहिए, तारे कितने 90 MLA होंगे हरियाणा के अंदर, मैं मान जाऊंगा तो हमें पूरे कर दो ना, तुम 50% नंबर ले लो यार, अरे ना क्या कम्पीट करोगे, तुम क्या कम्पीट करोगे, तुम इन बालक नहीं, ये बालक ये जाना है इनका दुख दर्द, और कोई नहीं जानता कि तुम सोचते हो। और बताऊं, पेपर लीक का तो तुमने बेरा होगा, नाटके साफ तौर पर नाटके के पेपर लीक के कौन था, इस FIR ने भी खारिज कर दोगे क्या, तुम कर दो ना, या कह दो झूठी FIR है, कही हो या दिल्ली पुलिस की झूठी FIR है, पुलिस वाले झूठी FIR नहीं बनाया करते भाई। और 5 नंबर का केस जिसकी तारीख क्या थी, 6 तारीख थी, टीजीटी का केस जिसकी तारीख क्या थी, 6 थी, और 56-57 का केस जिसकी तारीख क्या थी, 6 थी, के बोले कोर्ट में जाके कि जी हमने एडजोर्नमेंट दे दो एक हफ्ते का, क्योंकि हमारे एजी बीमार है, एजी का वायरल है, चलो ठीक है मान लिया आपका एजी वायरल था, आपके एजी का वायरल था, अगले दिन एजी ठीक कुकर हो गया जी, अगले दिन एजी ठीक हो गया, और अगले दिन किसानों के केस लड़न लग रहे कोर्ट के भीतर, या तो अचंभे की बात है, या तो आपके मन में है को नहीं कि सी ग्रुप की भर्ती क्लियर करवानी है या नहीं करवानी, इन चीजों का हमने नहीं बेरा। लेकिन हाँ, अगर आपका एजी एक दिन में ठीक हुआ था, आपने पता था, तो आप एक दिन दो दिन की भी तो तारीख ले सको थे, या दो हफ्ते की तारीख लेने की जरूरत क्या पड़ी, हमने हद कर रखी है, हमने हद मचा रखी है, हमने और आड़े कह दिन था 12 दिन था बेलू गई बालका ने लिए बैठी है कि मैं शर्म कर लियो, रात ने जाटा मरा ओस पड़ा है, और वेलू गई कि मैं शर्म रह रही है कि नहीं धर्म है, अब तो हमने हर एक चीज पॉलिटिकल स्टंट तक करने का मतलब रह रहा है, हर एक चीज ना पॉलिटिकली तो हमने जोड़ना है, अगर पॉलिटिकली जोड़ना है तो इसने इसने हटा दो यार, के काम रह गया इसका, इसने इंडिपेंडेंट बॉडी तो रहने दो, इसने अपने हिसाब से काम तक करने दो, एक एक काम के अंदर आप इसका इसमें वो करोगे क्या मतलब है तारा। 5 नंबर क्लेम का न विड्रॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया कि हम ऑप्शन देवांगे क्लेम करने का भी और विड्रॉल का भी, कित है वो ऑप्शन, हमने नहीं बेरा कित है तारा ऑप्शन, वो हमने तो दिखा नहीं पूरे पोर्टल के ऊपर। हाँ, आपके पोर्टल के ऊपर एक जरूर दिखी है, पोर्टल में दिक्कत रोज दिक्कत, SC वाले ST बना दिए, स्पोर्ट्स कोटा वाले एक सर्विसमैन में फेंक दिए, जनरल वाले EWS में फेंक दिए, फलाना सर्टिफिकेट अपलोड को नया, दिखड़ा सर्टिफिकेट अपलोड को नया, मुकड़ा सर्टिफिकेट अपलोड को नया, यार कमाल कर दिया यार तुमने, हर एक बालक अपना एक्नोलेजमेंट ले लेके तुमने जमा करने लग रहा, तुमने देने लग रहा है, और फिर भी तुम कह दो के फलाना सर्टिफिकेट अपलोड को नया, और डिप्लोमे तुम कह दो के, अरे डिप्लोमे के अंदर भी लिख रहा क्या, फायर ऑपरेटर के डिप्लोमे के अंदर भी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिप्लोमे चलेंगे, लेकिन तुमने तो हरियाणा के डिप्लोमे चलाने हैं, कौन सा अद्भुत बोर्ड है भाइयों, वो के UGC अप्रूव्ड को नहीं, सारी के सारी UGC अप्रूव्ड बॉडी ना तुम खारिज करने लग रहे हो यार, हद कर रखी है तुमने। और इससे फालतू क्या पूछोगे, दो कट ऑफ का तो बता ही दिया,
MPHWOT टॉपर बेबे बैठी है अड़े ओटी की टॉपर है, नाम नहीं आ रहा। डिप्लोमा हरियाणा का चला, कैंडिडेट अदर स्टेट के, हाँ कैंडिडेट अदर स्टेट के आ जाओ, डिप्लोमा हरियाणा का चला गा हद है। पहले करना था TGT, पहले करना था और भी बहुत सारी भर्ती है, 20 ग्रुप डी ग्रुप वाले भाई साहब लाग जाते 70 वाले भी, के जुलम हो जाता था। मैं अगर हर चीज हमने पॉलिटिकली जोड़नी है, हैं ये रुआरा के ये TGT वाले भी बैठे हैं, 56 वाले भी बैठे हैं, कोई हमारा दुश्मन को नहीं, सारे मारे भाई हैं। क्लियर तो करो इन्हें, कोर्ट में तो काटो इन्हें, तार पर कोर्ट में कौन लिगड़ते, कोर्ट में तो हम तारीख मांगो हो, हद कर रखी है यार। और 5 नंबर दे रखे वे भी क्या था, क्या था दे रखे 5 नंबर क्या था, वेरिफिकेशन PPPID था, जिसकी पिछली साल में 99 लाख शिकायत पहुंची है, 99 लाख कितना बड़ा आंकड़ा है, 99 लाख शिकायत होने के बावजूद भी आपने PPPID मत वेरिफिकेशन करके 5 नंबर दिए, और आपने कोर्ट के ऊपर हो क्या 5 नंबर जोड़ के ना आपने कट ऑफ बता दी। महात्मा या तो हम नठा लो या इसे नठा लो, कहानी नहीं समझ में आ रही, मार दिए हम तो कसूर के हमारा बताता जो भाई इसके इसके फार्म भर दिए कसूर है क्या हमारा। सही बात भाई साहब, एक भाई 38 थी 75 मार्क्स है स्पोर्ट्स कोटे में, 38 पर कट ऑफ लाइन रिजत भी नाम ना है भाई। यहाँ पे देखो सैकड़ों स्टूडेंट इकट्ठा हो रखे हैं, हजारों में स्टूडेंट इकट्ठा हो रखे हैं, और कट ऑफ से ज्यादा नंबर हैं, कैटेगरी प्रॉब्लम है, और ही बहुत सारी प्रॉब्लम बताई विकास बोरा भाई ने, और इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सिर्फ और एक पॉलिटिकल स्टंट देखते हुए, सिर्फ 3 छुट्टियां देखते हुए कि कोर्ट में कहीं स्टूडेंट अपने हक की मांग को लेकर ना चला जाए, HSSC ने जल्दबाजी में रिजल्ट तैयार किया है। बाकी आपने जितने भी हमारे विकास बोरा भाई थे उन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई दी, और इस वीडियो को भाई आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये बातें सभी के सामने आ सके। और हाँ, जो जो इस गवर्नमेंट में जो नुकवा है ना, ये फर्जीवाड़ा नहीं है, लाइव डिबेट करो, लाइव डिबेट आओ, लाइव डिबेट पाओ, एक एक फर्जीवाड़ा मैं गिनाऊंगा, ठीक है आओ मैं गिनाऊंगा जो जो फर्जीवाड़ा जिस जिस भर्ती में, नरानरी फर्जीवाड़ा है, नरानरी जमा ओपन हद कर रखी है, कड़े तक उठेंगे बाड़ा, कड़े तक उठेंगे ना उठे भाई। फर्जीवाड़ा नहीं है तो छुट्टी वाले दिन रिजल्ट क्यों निकालते, मंडे ट्यूजडे को रिजल्ट क्यों नहीं निकालते, ताकि इसलिए ताकि कोर्ट में ना जाए, कोर्ट केस ना हो पाए भर्ती के ऊपर, 3 दिन कर दी रात और रात काम करते हैं, दिन का है, दिन में क्या करते हैं, सोते ही है HSSC वाले, और 4 साल के बाद कैसे जगे अभी है, 5वें साल कैसे आगे इंडिपेंडेंट बॉडी है, उससे पहले 4 साल क्या काम किया है HSSC वालों ने, वो हम इनसे सवाल पूछना चाहेंगे। और भाई बताने की जरूरत नहीं है, सभी भर्तियों में दिक्कत है, ग्रुप डी ग्रुप सी TGT सभी भर्तियों में दिक्कत है भाई। रिजल्ट नहीं आया, लोकसभा के ऊपर वोट मांगे गए हैं, एक ये देखो बिल्कुल लोकसभा के वोट मांगे गए हैं इन्होंने, पिछली बार भी इलेक्शन पे ये रजिस्टर है, एक्सपोर्ट पर्सनालिटी है, BCA में कट ऑफ जारी 38 और 75 नंबर है, ये 69 रा स्कोर है, नॉर्मलाइज है 74.75, इसके बावजूद भी इसमें होने के बावजूद भी रोल नंबर कितना है लिस्ट में, ओडा पता करे सिर्फ नुके एक्सेल सीट बनाने लाए रे भाई, तेरा नाम नोट कर लिया, बाकी जद होगा देख लिए ना, कोई देते पर्ची पकड़ा हुआ है वहां भी डायरी की, उसमें भी कोई बड़ी बात ना है, ना लिखित एप्लीकेशन पर कोई डायरी देते कहना कोई कोर्ट में चला जावा, ठीक है पर्ची दे, उस पर्ची ने कौन मानेगा, अगर डायरी नंबर प्रोवाइड नहीं करवाने लग रहे, डायरी नंबर D245 लिख के दे दे यार, मेरी एप्लीकेशन पर लिख के दे, मना मांगी रोड़ा कर दिया, इस पे साइन करके दे यार, डायरी लिख के दे इस पे, तो सही बात है, मैनुअली पर्ची बनाओ उसका क्या फायदा, कोई पर्ची बनाएगा लिख लेगा D274, ये तो है HSSC की कोई ऑफिशियल तो होती है, ऑफिशियल तो कुछ है ही नहीं, सारा ऐसे ही है, बात ने लिख के दे दिया कोर्ट में जाएंगे, मैं बिल्कुल कोटे में है मेरा, और मेरे 69.12 मार्क्स है और 38 पे लिस्ट रही है, अब ये डायरी नंबर हमें ये दे दिया, हम कहाँ केस करे, और ना ही हमारा लिस्ट में नाम है कहीं भी, इतने इतने नंबर अब इसमें क्या ऑफिशियली है, कुछ है ऑफिशियली, कौन मानेगा इसको, कोर्ट में कैसे मानेंगे इसको, ये HSSC चेयरमैन के पढ़े लिखे बैठे हैं लोग, ये सरकार नहीं है, पढ़े लिखे गवार बैठे हुए हैं, कुछ करना लिखना है नहीं, आप खुद ही देखो इसमें खुद ही ESP है, BCB है, फिर भी भाई ESP में देख लो आप 69 मार्क्स हैं और सिलेक्शन नहीं है, अरे इसके देखो भैया ये पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, इसमें देखो ESP है, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होया, रिजल्ट दिखा दे, एडमिट कार्ड जारी हो उसमें ESP है,
ठीक है। उसके बाद सीटी स्कोर कार्ड जारी होया, स्कोर कार्ड में भी एसपी है। नंबर फोटो ले लेंगे, नंबर देखो, नंबर देखो, सब कुछ देखो, 69.74 मार्क्स हो जाते हैं ना ये 5 मार्क्स जुड़ने के बाद। जी भी सब कुछ मैं सही, जुड़ने के बाद मेरे भी 74 मार्क्स होने के बावजूद और 38 नंबर पे कट ऑफ, फिर भी सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन नहीं है, कह रहे फर्जीवाड़ा नहीं है, तो ये क्या है? अपने सिलेक्शन हुए हैं, जिनको रियल जरूरत थी उनका कुछ नहीं हुआ है, प्योर फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है, भर्ती नहीं है। तीन मेरे साथ गुड़िया और रह रही हैं, ईएसपी में थे, ईएसएम में डाल रखी, वो ईएसएम कैटेगरी कैसे चेंज कर दी इन्होंने? भाई सबूतों को देखने के बाद सीधा सीधा दिखने लग रहा है फर्जीवाड़ा हुआ है भर्ती के अंदर। और 95 में से 73 पॉइंट कुछ है और लिस्ट चढ़ रही है 71 पे, तब भी नहीं है 95 में से। भाई यहाँ पे सैकड़ों ऐसे एग्जांपल है जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है भाई, 77.83 पे है जर्नल की और मेरे 78.11 नंबर है, फिर भी नहीं आया सेल्फ के, और मैं फादरलेस कैंडिडेट हूँ, उसके नंबर भी नहीं जोड़ रखे इन्होंने, अगर वो नंबर जोड़े तो मेरे 78 और 5 मान ले 83 के करीब चले। ये 5 नंबर किसी का नहीं पता किसके जुड़े हैं किसके नहीं जुड़े, ये उनके जुड़े हैं जिनका जैक था एचएसएससी में, जिनके सरकार में आदमी बैठे हुए हैं उनके 5 नंबर जुड़े हैं, और जिसको रियल जरूरत थी अगर 5 नंबर दिए भी है उसको नहीं दिए किसी को जिसको जरूरत थी। फादरलेस के प्रमाण पत्र, ये सब सुधार सब कुछ है, इस भाई का भी देख लो, 5 नंबर फादरलेस भी है तब भी नहीं मिले डॉक्यूमेंट जिसको जरूरत है, 5 नंबर नहीं, यही नहीं पता 5 नंबर दिए किसको, जेन्युइन है तो लिखा दो किसको 5 नंबर मिले, उसकी सारी सार्वजनिक कर दो अगर है तो एचएसएससी वाले। सभी कंडीशन पूरी कर रहा हूँ मैं, फादर मेरे 42 साल से पहले गुजर चुके हैं, मैं 15 साल से जो कंडीशन इनकी छोटा था सभी कंडीशन है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को फादर 40 नंबर ऊपर होने के बावजूद इसका क्या एक्सप्लेनेशन, चल 5 जोड़ो ना जोड़ो, ईएसपी में 40 नंबर ऊपर है 40, उसका क्या इलाज करें, कहता नाम नहीं, प्योर फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है, धांधली है, छुट्टी वाले दिन रिजल्ट देना है, बच्चे आए घूम के चले जाए, पागल हो जाए, कोर्ट में जानते लोग पूरा कुछ नहीं आते, ये 3 दिन की छुट्टी है जही तो रह रहे लोग, अभी पहले कोर्ट में जानते कोर्ट में भाई के अंदर ये ज्वाइनिंग कराते ये कुछ नहीं नंबर भाई, ये जो भी भर्ती हुई है इसमें कहीं ना कहीं इतने सबूत देखने के बाद सीधा दिखने लग रहा है भर्ती में फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं हुआ है, और स्टूडेंट कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे, प्रोविजनल ज्वाइनिंग है ये, सिर्फ प्रोविजनल एक लॉलीपॉप कह सकते हो आप, बाकी कुछ नहीं है और परमानेंट कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आप अपना देख भी सकते हो रिजल्ट में कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, और बाकी भाई अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी स्टूडेंट का समाधान होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक महीने से लगातार MPHW और 20 ग्रुप वाले BC उसमें बैठे हुए हैं, उनका भी कोई समाधान नहीं हुआ है, बाकी भैया अभी आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप नौकरी देने के काबिल नहीं है तो आप मना कर दीजिए कि साहब हमारे बस की बात नहीं है, और अगर काबिल है नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा गोली मार दो, हम कम से कम इन बहकावे में तो नहीं रहा के नौकरी लाग जाएंगे, खड़े करके गोली मार दो, एक यार के जरूरत है, हमने तैयारी करने की पेपर की 6 साल हो गए मेहनत कर जाना घिसा लिया सारा अपना सौ तारीफ कुछ भी नहीं था, कह दिया कि नंबर नहीं आया, लॉटरी तो नहीं काट दें, अगर नू 1 लाख बेस करना लॉटरी काट दो, लॉटरी का तेरा आ गया तेरा नहीं आके जरूरत है इतना पेपर और यार इतना पर्ची पे कौन मानेगा जी। सही बात है, चलो ठीक है भाई, देखो वही ये स्टूडेंट का दुख बहुत है और कहीं ना कहीं दुख भी जायज है इतनी मेहनत करने के बाद जब नाम नहीं आता है। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ये सभी की आंखें खुलनी चाहिए कि कैसे काम होता है HSC के अंदर।